दोस्तों साल 2020 में जूलियस बायर ग्रुप लिमिटेड ने एक लिस्ट निकाली थी जिसमें उसने पूरी दुनिया के 28 सबसे लग्जूरियस सिटीज के बारे में लिखा था। चाइना, यूएसए, यूरोप, यूके और ऐसी कई बड़ी इकोनॉमीज के बावजूद इंडिया की ड्रीम कैपिटल कही जाने वाली मुंबई इस लिस्ट में 28th पोजीशन पर आई थी। अब देखो ये आंकड़ा भले ही बहुत बड़ा नहीं लगता पर जब सोचो कि इस दुनिया में टोटल 4 मिलियन से भी ज्यादा शहर मौजूद है तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है कि हमारा मुंबई पूरे वर्ल्ड में 28th नंबर में सबसे लग्जूरियस सिटीज में आता है। इंडिया जो कि काफी फेमस है अपने रिच डाइवर्सिटी और कल्चर के कारण पिछले कुछ सालों से फाइनेंशियली बेहद ही तेजी से ग्रो कर रहा है। जहां साल 2016 में सिर्फ 452 स्टार्टअप्स ही रिकॉग्नाइज किए गए थे वहीं साल 2022 में कुल 84,012 स्टार्टअप्स को रिकॉग्निशन मिली थी। इसका मतलब है कि महज 6 सालों में एनुअल स्टार्टअप रिकॉग्निशन के मामले में इंडिया ने 185 गुना से ज्यादा की ग्रोथ देखी है। और केवल यहीं पर सब खत्म नहीं होता। साल 2022 से 2023 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने कुल $447 बिलियन की टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की थी विच इज हाईएस्ट एवर सिंस इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। और भी ऐसे ना जाने कितने ही डेटा है जिन्हें दिखा के ये बताया जा सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी रैपिडली ग्रोथ दिखा रही है। आफ्टर ऑल तभी तो आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाए हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ग्लोबल इकोनॉमी में इतने ऊंचे पायदान पर पहुंचने के बावजूद भी आज इंडियंस बांग्लादेश के लोगों से भी ज्यादा गरीब हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये सुनकर आपको शॉक लगा होगा क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ही डेटा के हिसाब से जहां बांग्लादेश के नॉमिनल जीडीपी $446 बिलियन है वहीं पर इंडिया की जीडीपी करीब $3.73 ट्रिलियन के बराबर है जिसका मतलब कि दोनों ही देशों के जीडीपी के बीच करीब $3.284 ट्रिलियन का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर शब्दों में फोकस करना, हमने ये नहीं कहा कि इंडिया बांग्लादेश के कंपैरिजन में गरीब है, हमने ये कहा कि इंडियंस बांग्लादेश के सिटीजन्स के कंपैरिजन में गरीब है जिसे मेजर किया जाता है एक दूसरे मैट्रिक का इस्तेमाल करके जिसका नाम है जीडीपी पर कैपिटा। नाउ ये जीडीपी पर कैपिटा है क्या, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्या हम बढ़ती इकोनॉमी के साथ साथ कहीं महंगाई में फंसने वाले गरीब तो नहीं बनते जा रहे हैं? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक ऐसा मेट्रिक होता है जो ये बताता है कि एवरेजली उस देश के हर व्यक्ति की इनकम अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी। इसे कैलकुलेट करने के लिए उस देश की टोटल जीडीपी को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है जो ये बताता है कि आखिर उस देश के हर एक बंदे के पास ऑन एन एवरेज कितना पैसा होगा। अब अगर हम इंडिया की बात करें ना तो IMF के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इंडिया की करंट जीडीपी पर कैपिटा करीब $2.61,000 है जो रुपए में करीब 217,000 एनुअली या 18,803 रुपए पर मंथ का आंकड़ा देता है। अब दोस्तों ये आंकड़ा वैसे तो आपको लग रहा होगा कि सर्वाइविंग कॉस्ट के हिसाब से ठीक है मगर इसी नंबर को अगर हम इंडिया से गिरी नेबरिंग कंट्री से कंपेयर करें तो कहीं स्टैंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश जिसका नाम सुन के आपके दिमाग में स्लम्स और ऐसी गरीबी वाली जगह ही आती होंगी बट फिर भी वहाँ की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से ज्यादा है, करीब $2.62,000 के बराबर है जो इंडिया से स्लाइटली ही सही पर ज्यादा जरूर है। अब दोस्तों बांग्लादेश के इंडिया से इस मामले में आगे जाने की कहानी भी कोई आज की नहीं है बल्कि साल 2018 की है जब बांग्लादेश ने इंडिया को इस मेजरमेंट में ओवरटेक किया था और तब से लेकर आज तक इंडिया से ऊपर ही बना हुआ है विद एन इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट। अब आते हैं भूटान पे जिसको शायद आप इकोनॉमिक मैटर्स में उतना कंसीडर भी नहीं करते होंगे, आज $3,500 की जीडीपी पर कैपिटा लेकर बैठा हुआ है जो कि इंडिया जैसे मेजर कंज्यूमिंग एज वेल एज प्रोड्यूसिंग देश से भी ऑलमोस्ट 1.5 गुना है। श्रीलंका जैसा देश जिसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है ना, 7% से ज्यादा के नेगेटिव रेट पे चल रही है, एक वक्त को अभी हाल ही में जहाँ खाने के भी लाले पड़े थे वहां तक की जीडीपी पर कैपिटा $3,340 पर आज भी स्टैंड कर रही है। तो सोचिए भारत आज कितने ज्यादा गड्ढे में।
दोस्तों भारत आज भले ही गर्व से बोलता हो कि वो पिछले 9 सालों में ट्रांसफॉर्म हुआ है, वेल हुआ तो है ट्रांसफॉर्म, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हुआ, मगर सिर्फ जीडीपी को एज ए रिलायबल फिगर देखना टेक्निकली जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वेल ऐसा इसीलिए क्योंकि जीडीपी बहुत से नेगेटिव रीजंस की वजह से डिस्टॉर्ट हो जाती है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर किसी देश में इन्फ्लेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है ना, तो ये एक बहुत ही बुरी चीज है, मगर कई बार इसी कारण से उस देश की जीडीपी भी बढ़ने लगती है, जो टेक्निकली किसी भी देश के लिए अच्छी चीज नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि जीडीपी किसी देश की इनकम इनइक्वालिटी का क्लियर डेटा नहीं देती। सपोज करो कि अगर देश में कुछ चुनिंदा कंपनीज लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो उससे देश की जीडीपी तो बढ़ती ही जाएगी, लेकिन बढ़ती जीडीपी को देखकर ये नहीं पता लगाया जा पाएगा कि क्या वहाँ के सिटीजन्स की आमदनी में इन्फ्लेशन के कंपैरेटिवली कोई इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये कुछ कारण है जिनकी वजह से आप जीडीपी को एज ए सिटीजन ग्रोथ के लिए उतना रिलायबल नहीं मान सकते, जबकि उसी के कंपैरिजन में जीडीपी पर कैपिटा धुंधली ही सही, पर कहीं ना कहीं देश की सच्चाई दिखा देती है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के केस में जीडीपी पर कैपिटा भी बहुत ही फ्लॉड है, और उसका कारण है यहाँ की इनकम इनइक्वालिटी। देखो जब भी हम लोग जीडीपी पर कैपिटा निकालते हैं ना, तो हमें 18,000 रुपए पर महीने का फिगर देखने को मिलता है। वेल ये देखने से खुशी तो बहुत मिलती है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस टोटल इनकम में ना अंबानी और अडानी जैसे अल्ट्रा रिच लोगों की वेल्थ का भी हिस्सा जुड़ा होता है, जिससे कि ये फिगर हमें इतना बड़ा नजर आता है। अब अगर हम लोग अकेले अंबानी और अडानी जैसे 3-4 और बिलियनर्स की वेल्थ को ही भारत से निकाल देना, तो ही ये फिगर पूरा 50% गिर सकता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ये सिस्टम कितना ज्यादा फ्लॉड है। लेकिन चलो एजम्पशंस पर क्यों जाएं, सीधा सीधा डेटा पर ही बात करते हैं। तो दोस्तों आउटलुक मैगजीन की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का बॉटम 50% यानी कि भारत की आधी आबादी जिनकी इनकम सबसे कम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 147 रुपए में अपने दिन भर का खर्चा चलाती है, यानी उसे साल भर में सिर्फ 53,610 रुपए की ही कमाई होती है, जो टेक्निकली देखो तो आज के हिसाब से कुछ भी नहीं है। अब इसी के रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया है कि एवरेजली कैलकुलेट करने पर तो ये पता लगता है कि इंडिया की एवरेज हाउस होल्ड वेल्थ 9,83,010 रुपए है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर परिवारों के पास काफी अचल संपत्ति मौजूद है। मगर इस फिगर को भी अगर हम बॉटम 50% के क्राइटेरिया में ले आए ना, तो समाज के इस सेक्शन के पास मात्र 66,280 रुपए एज ए वेल्थ होती है। सोचिए सिर्फ टॉप 50% अर्नर्स को हटाने पर यह आंकड़ा 1/14 से भी कम पे गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि ग्राउंड लेवल पर लोगों के पास लिटरली कुछ है ही नहीं। और ये जितने अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर आंकड़े लोगों को फाइनेंशियली इंडिया को लेके दिखते हैं ना, ये तो केवल टॉप 1% की वजह से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आते हैं। अब दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस ने भी ऑक्सफैम की रिपोर्ट को कोट करते हुए ये डिटेल शेयर की थी कि इंडिया की अप्रोक्सीमेटली 40% वेल्थ सिर्फ और सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास ही पड़ी हुई है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस रिपोर्ट को एक्सपैंड करते हुए ये भी बताया गया था कि इंडिया की टॉप 60% वेल्थ को यहाँ के टॉप 5% सिटीजन्स ही होल्ड करते हैं, और बाकी का 40% वेल्थ 95% लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और 161 कंट्रीज में इंडिया का इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी के मामले में 123वें पोजीशन पर आती है। नाउ इंडिया इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली, चाहे हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, वेल्थ की या इन्वेस्टमेंट की, लेकिन टॉप 10% ईलाइट्स को हटाकर इन्फ्लेशन रेट के कंपैरिजन में यहाँ के बॉटम 90% लोगों के इनकम में सेटिस्फैक्टरी इजाफा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, जिससे इकोनॉमिस्ट को इस बात का भी डर है कि कहीं बढ़ती जीडीपी के साथ साथ इंडिया ऐसी सिचुएशन में ना पहुंच जाए जहां इनकम इनइक्वालिटी इस कगार पर पहुंच जाए कि बॉटम 50% की सर्वाइविंग कॉस्ट निकालने ही मुश्किल हो जाए। खैर दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने डेटा की बहुत सी चीजें हाईलाइट कर दी, बट द क्वेश्चन शुड बी कि आखिर इंडिया इस मामले में इतना पीछे है ही क्यों। तो इसे समझने के लिए ना, हमने सोसाइटी को भी पर्सनल लेवल पे थोड़ा स्टडी किया, और हमें लगता है कि यहाँ पर 3 चीजें हैं जो इस डेटा के साथ भी गलत है। नंबर 1, इनकम ट्रांसपेरेंसी। देखो भारत में इनकम छिपाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर एक नॉर्मल सा पनवाड़ी भी महीने के 70,000 से 80,000 रुपए कमाता है, पर उसको कभी शो ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे टैक्स भरना पड़ेगा, और इसी टैक्स को बचाने के चक्कर में 70 से 80% ऑफ स्ट्रीट या लोकल वेंडर्स अपनी इनकम कभी भी गवर्नमेंट को पूरी तरह से पब्लिक ही नहीं करते, जिस वजह से बहुत से लोग कमाते भले ही 1,00,000 के पार हो, मगर फिर भी एक्चुअल डेटा में चढ़ी इनकम के हिसाब से उन्हें
बॉटम 50% में ही डाला जाता है। अभी रिसेंटली मेरे शहर जमशेदपुर में ही अप्रोक्सीमेटली 100 फेक EWS सर्टिफिकेट वालों को पकड़ा गया था, और ऐसे ही ना जाने कितने लोग और भी छिपे होंगे, जिससे आप गवर्नमेंट की नजरों में मौजूद फेक गरीबों की संख्या का आंकड़ा इजीली समझ पा रहे होंगे। नंबर 2, एजुकेशन एंड स्किल्स। इंडिया इज सेड टू बी वन ऑफ द यंगेस्ट मेजर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ के यंग टैलेंट को आज वो स्किल्स एक्वायर करने का माइंडसेट और इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि वो वाकई अपनी यूथफुलनेस का इस्तेमाल कर सके। और दोस्तों, इसी कारण से यूथ नौकरी तो कर रहे हैं, बट मैक्सिमम यूथ अपने स्किल सेट को इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं बना पा रहे हैं कि उससे उसकी इनकम लेवल पर वो इम्पैक्ट दिखाई दे सके। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 3, देखो करप्शन सालों से इंडिया को खाता चला जा रहा है, और ये आज से नहीं बल्कि दशकों से होता चला आ रहा है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर फेवर और करप्शन करने का इल्जाम लगाती है, मगर फिर उनके पास्ट रिकॉर्ड को देखो ना, तो उनसे ज्यादा करप्शन तो किसी ने किया ही नहीं होगा। ये साइकिल चलती रहती है और करप्शन बढ़ता ही रहता है, जिससे ये ब्लैक मनी वापस से रिकॉर्ड्स में नहीं आ पाती, अगेन अफेक्टिंग द एक्चुअल पर कैपिटा GDP। भारत की स्थिति आज खराब है, हाँ हम मानते हैं, बट इसे सुधारा कैसे जाए ये डिकोड करना एक रियल टास्क है। देखो, आज गवर्नमेंट सब्सिडीज और पब्लिक वेलफेयर के लिए मोटा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, जैसे उज्ज्वला योजना और सबसे इम्पोर्टेंट आयुष्मान भारत योजना। मगर आपके हिसाब से इंडिया की पर कैपिटा GDP को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट और कौन कौन से स्टेप्स ले सकती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्या इंडिया वाकई में एक गरीब देश बनता जा रहा है, या फिर ये तेजी से GDP ग्रोथ वाकई इंडियंस के लाइफ को अच्छी करती जा रही है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और हाँ साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स हो तो वो भी लिखना। मैं आपके कमेंट्स को पर्सनली खुद ही पढ़ता हूं, तो अपने कमेंट्स को जरूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और साथ ही साथ आपको ये वीडियोस भी पसंद आएंगे इन्हें जाकर जरूर देखना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।